बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जीआरपी पुलिस लाइन के सभागार में पुलिस उप महानिरीक्षक रेलवे व पुलिस अधीक्षक रेलवे पुष्पांजलि देवी के अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक रेलवे मुजफ्फरपुर व पुलिस उपाधीक्षक रेलवे गोरखपुर के संयुक्त बैठक का आयोजन लिया गया। बैठक में बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों, आपराधिक, नक्सली, आतंकी तत्वों पर निगरानी रखने एवं चुनाव के दौरान रेल मार्ग से अवैध अग्नेयास्त्र, मादक पदार्थ, शराब की तस्करी तथा काला धन का प्रागमन की रोकथाम हेतु अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक कर रणनीति तैयार की गई तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए मुजफ्फरपुर जीआरपी के एसपी अशोक कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक रेलवे उप महानिरीक्षक रेलवे पुष्पांजलि देवी ने कहा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के अवसर पर यहाँ हम लोग समन्वय बैठक जीआरपी गोरखपुर, आरपीएफ वाराणसी और सभी पदाधिकारियों के साथ हम लोग बैठक किए, जिसमें कई कॉमन बिंदुओं पर चर्चा हुई। पिछले साल जो बैठक की गई थी उसकी समीक्षा भी की गई। इसमें विशेष रूप से शराब बंदी बिहार में है और ट्रेन सुगम साधन है मूवमेंट का, इस पर कैसे हम लोग नकेल लगाएं, इस पर विस्तृत चर्चा हुई और लगातार जिस पर कार्रवाई की भी जाती रही है इसको और बेहतर कैसे हम लोग समन्वय स्थापित करें, इस पर चर्चा हुई। मार्गरक्षण सबसे महत्वपूर्ण, ट्रेनों का मार्गरक्षण होता है, इस पर भी चर्चा हुई। जितनी भी ट्रेनें, अभी तो ट्रेनें कम हैं कोविड-19 के समय, जितनी भी ट्रेनें हैं सब में स्कॉट पर सहमति बनी है आरपीएफ, जीआरपी गोरखपुर और हमारे स्तर से। कई ऐसे अपराधी हैं जो एक दूसरे राज्यों के हैं, उस सूची के काफ़ी आदान प्रदान हुआ है और उस पर सभी अपराधियों पर निगरानी रखने की आवश्यकता है और हम लोग सब पे निगरानी रख भी रहे हैं, उस पर भी समीक्षा हुई है। कुछ वांछित अपराधी हैं जो कांड बिहार में दर्ज हो जाते हैं, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ सूची में हैं जिन पे भी कार्रवाई अपेक्षित है। यहाँ पे चर्चा की गई है और सूची दी गई है, इन्हीं सब बिंदुओं पे चर्चा हुई है और फिर हम लोग फर्दर रिव्यू करेंगे। सर, अक्सर देखा जाए चुनाव राजनीतिक पार्टियां आंदोलन करती हैं, रेलों को आंदोलन तक कर देती हैं, रेलवे लाइन पे जाग बैठ जाती हैं, उसके लिए क्या जीआरपी आरपीएफ किस तरह सक्रिय रहेंगे? एकदम सक्रिय रहेंगे हम लोग हर एक बिंदु पे, हर एक विधि व्यवस्था के बिंदु पे ऑलवेज जीआरपी सक्रिय है। ट्रेनों का मूवमेंट निर्बाध रूप से चलता रहे इसके लिए हम लोग सक्रिय हैं। थैंक यू। ये जो आगामी चुनाव आने वाले हैं बिहार में, उसी के संबंध में एक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई है जिसमें कि एसपी मुजफ्फरपुर रेलवे और जीआरपी और आरपीएफ के सभी जो अधिकारी थे वो मौजूद थे और इसमें एक मीटिंग हुई जिसका मुख्य बिंदु ये था कि कैसे बिहार चुनावों को सकुशल, शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए हम कोऑर्डिनेट करेंगे, समन्वय करेंगे ताकि जो अपराध और अपराधी हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखा जा सके, कैसे सूचनाओं का समय पर आदान प्रदान होगा, कैसे हम लोग एक कॉमन पॉइंट कहाँ कहाँ पे रखा जाएगा जो बॉर्डर पर होगा जहाँ पर चेकिंग होगी, कैसे ट्रेनों में चेकिंग होगी, इन बिंदुओं पर चर्चा हुई और एक जो संयुक्त हमने रणनीति बनाई है। देखा जाए तो बिहार में शराबबंदी और चुनाव में ज़्यादा शराब का प्रयोग किया जाता है, तो तस्करी भी होगी यूपी से बिहार में, इसके लिए क्या रणनीति? इसके संबंध में भी हमने रणनीति बनाई है और बेसिकली हमने जो अपराधी पूर्व के हैं और जो संदिग्ध हैं, जो इस प्रकार के कार्य में लिप्त रह सकते हैं, उनकी निगरानी, उनके विरुद्ध कार्यवाही, साथ में ट्रेनों की चेकिंग, पिकेट्स वगैरह लगाना और कैसे आपसी सामंजस्य करके इनके ऊपर नियंत्रण रखेंगे, इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई।